हाय दोस्तों, चलो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले विद अ न्यू टॉपिक। ये टॉपिक आएगा आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज़ कॉमन फॉर SY BCOM, SY BF एंड SY BBI। तो ये जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, ये आपको पूछा जाएगा फॉर SY BCOM। SY BCOM में आएगा 20 मार्क्स के लिए, SY BF, SY BBI यहाँ पे भी आएगा 15 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन बट जो TY BF है, आप लोग पूछोगे कि SY में भी है, TY में भी है, ऐसा रिपीट क्यों? TYBF में आएगा, लेकिन वहाँ पे अलग सब्जेक्ट में आएगा, नॉट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप TYBF में जाओगे, जब वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा ये टॉपिक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वर्किंग कैपिटल, इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था वर्टिकल बैलेंस शीट का, उसमें हम लोगों ने फॉर्मेट भी देखा था। वर्किंग कैपिटल आपको मिलता कैसे है, सिंपल है बहुत ही। करंट एसेट्स, उसमें से लेस करोगे करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ईजी है। इसका एक स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। एक जो कैपिटल होगा वो होगा शेयर कैपिटल, विच इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको आप लोग रेगुलर चेंज नहीं करने वाले हो, लेकिन उस कैपिटल से आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता। सो प्रोडक्शन होने के लिए जिस शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा है करंट एसेट, और उसके बाद लिखा है करंट, उसमें से लेस करोगे करंट लाइबिलिटीज़। ओके, सो करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा वो भी डिस्कस किया, और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, इसके बाहर का 99.9% तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, सो एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स रुपीज, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। उसके बाद पहला, सबसे फर्स्ट लिखा है मैंने करंट एसेट्स। करंट एसेट में आएगा फर्स्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP, और उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो ये क्या होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको प्लास्टिक का बॉटल बनाना है, ठीक है, सो प्लास्टिक बॉटल बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगता है प्लास्टिक। ठीक है, सो दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और वो जो प्लास्टिक है उसको आपने शेप दिया प्रॉपर, ओके, लेकिन अभी तक उसका बॉटल बना नहीं है, तो उसको बोलोगे वर्क इन प्रोग्रेस। अगर बॉटल बन के कम्प्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, सो ये तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और पहली बात, यहाँ पे देखो लिखा है U×R×P। यू का मतलब होता है यूनिट्स, आर का मतलब होता है रेट, एंड पी का मतलब होता है पीरियड। सो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड करोगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाती है हर पॉइंट के आगे, और हर जगह पे आपको यही करना है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे तभी आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, सो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है रॉ मटेरियल। वाई रॉ मटेरियल? बिकॉज यहाँ पे रॉ मटेरियल का रेट आएगा। उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था, बॉटल अभी तक बन के कम्प्लीट हुई नहीं है, इट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, सो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी इन्वॉल्व होता है, लेबर भी इन्वॉल्व होता है, और ओवरहेड्स भी। लेकिन वो बॉटल अभी तक बना के कम्प्लीट नहीं हुई है, उसमें आपने मटेरियल यूज़ किया 100%, ओके, प्लास्टिक यूज़ किया 100%, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स अभी भी बाकी है। सो कितना यूज़ किया पता नहीं है। ठीक है, सो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 50%, ओके, सो यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, रॉ मटेरियल 100% आएगा, लेबर आएगा 50% एंड ओवरहेड आएगा 50%। थर्ड वन इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब प्लास्टिक का बॉटल बन के रेडी है। ठीक है, सो जब आप लोग उसको स्टॉक में रखोगे, ओके, तो उसका अमाउंट आएगा ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। फोर्थ वन इज डेटर्स। डेटर्स का ही दूसरा नाम होता है कस्टमर्स, ओके। डेटर्स कौन होता है, ओके, देर आर टू कंसेप्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बोथ आर रिलेटेड टू क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो एक बात समझ लो, जिसको आप लोग उधार देते हो वो होता है डेटर्स, और जिससे आप उधार लेते हो वो होता है आपका क्रेडिटर। ठीक है, सो डेटर का मतलब आपने इसको उधार दिया था, ये फ्यूचर में आपको पैसा देगा, दैट्स वाई इट इज़ योर एसेट, और आपने उसको उधार दिया
तो आप उसको उधार ऐसे ही नहीं दोगे। प्लास्टिक का बॉटल सपोज 10 रुपये में, तो आप 10 रुपये में नहीं बेचते हो, उसमें प्रॉफिट ऐड होता है। सपोज 10 का बॉटल आपने 15 में बेचा, तो उधार देते वक्त भी आप लोग उससे 15 रुपये के हिसाब से उधार में पैसा देने वाले हो, ठीक है। फ्यूचर में आप 15 रुपये ही रिसीव करोगे। सो यहाँ पे डेटर्स एंड कस्टमर्स के आगे भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। फिफ्थ वन इज बिल्स रिसीवेबल। सिक्स्थ वन कैश एंड बैंक बैलेंस। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ये कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी दिया होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में गिवन। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा कैपिटल ए, दैट इज करंट एसेट्स। उसके बाद देख लेते हैं बी, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, सबसे पहला क्रेडिटर्स, उसी का दूसरा नाम होता है सप्लायर। अभी जैसे मैंने बोला था, डेटर्स का मतलब जिसको आपने उधार दिया, क्रेडिटर का मतलब जिससे आपने उधार लिया, फ्यूचर में आपको उसको पैसा देना है, ओके, दैट्स वाई इट्स योर लाइबिलिटी, ओके। और क्रेडिटर हमेशा आपको क्या सप्लाई करेगा, रॉ मटेरियल, ओके। सो इसका रेट हमेशा आएगा रॉ मटेरियल में। सेकेंड वन आउटस्टैंडिंग वेजेस और लेबर। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है टाइम लैग इन पेमेंट, मतलब पेमेंट करने में डिले हो गया, तो आप लोग उसको बोलोगे आउटस्टैंडिंग। लेबर और वेजेस दोनों एक ही होता है, लेबर मीन्स वर्कर और उनको हम लोग देते हैं वेजेस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का और एक दूसरा नाम होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, और लास्ट में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी क्रेडिट गिवन बाय दी बैंक टू एनी कंपनी, ठीक है। अगर आपने ओसी पढ़ा होगा 12th में, तो आपको पता होगा कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है करंट अकाउंट होल्डर को, जो होता है बिजनेस, ठीक है। सो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा कैपिटल बी, और ए माइनस बी करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, ओके। इसमें समझने जैसी बात एक है, कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया जाएगा तो आप लोग इसमें ऐड करोगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा होता है ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसको आप वर्किंग कैपिटल नहीं बोलोगे, यहाँ पे नॉर्मली ए माइनस बी करोगे आप लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करोगे जो भी होगा इसमें, और लास्ट में आपको मिलेगा फिर वर्किंग कैपिटल। लेकिन ध्यान में रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा तभी ऐड करना है, अदरवाइज जो ए माइनस बी था वही होगा आपका फाइनल आंसर। इतना सिंपल टॉपिक है, फॉर्मेट आ जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ओके, जिसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है, स्पेशली फॉर एस वाई बी कॉम। अगर 20 मार्क्स मिला यहाँ पे तो आप लोग इजीली पास हो सकते हो, ओके, नॉट ओनली बी कॉम, बैफ एंड बी बी आई के स्टूडेंट्स भी, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बोला था, यू इंटू आर इंटू पी, पी का मतलब होता है पीरियड, जो होता है मंथ्स में या फिर वीक्स में या फिर डेज में, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हर पॉइंट के बाद, आपको कैलकुलेट करना होता है यूनिट्स एंड रेट, ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है दो वर्किंग नोट, और वो वर्किंग नोट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वर्किंग नोट्स, नंबर वन, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ओके। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपने एक मंथ में, एक वीक में या फिर एक डे में कितना प्रोडक्शन किया, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तीनों एक साथ नहीं आएगा, एक एक करके, या तो आपका क्वेश्चन मंथ में हो सकता है, या फिर वीक में हो सकता है, या फिर डेज में हो सकता है, ठीक है। सो देख लेते हैं क्विकली, लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसे मिलेगा आपको। एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल का मतलब पूरे साल भर का प्रोडक्शन, डिवाइड बाय, अगर मंथ में पूछा तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स, बिकॉज एक ईयर में, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर वीक में पूछा तो डिवाइड बाय 52 वीक्स, ओके, एक साल में 52 वीक्स होती है, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ओके, 365 जो ईयरली डेज है, डिवाइड बाय एक वीक में कितनी डेज होते हैं, 7, तो आपको आंसर मिलेगा 52 पॉइंट समथिंग, तो राउंड फिगर हम लोग पकड़ लेते हैं 52 वीक्स। अगर डेज में पूछा तो एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय 365 डेज, तीनों में से कोई भी एक आएगा। ये सब करने के बाद आपको मिलेगा यूनिट्स, एक तो पर मंथ होगा या फिर पर वीक होगा या फिर पर डे होगा, ठीक है।
अगर ये लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका रॉन्ग हो गया तो आपका आगे का क्वेश्चन भी रॉन्ग होने के पूरे चांसेस है। इसलिए जब भी आप लोग ये सॉल्व करोगे केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है लेवल ऑफ एक्टिविटी और सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है दैट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है PU दैट इज पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट का कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो देख लेते हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल पर यूनिट जो भी होगा हम लोग लिखेंगे। कभी कभी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग SY के स्टूडेंट्स हो या फिर TY के स्टूडेंट्स हो तो उतना तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ी चौथी पांचवी में पढ़ रहे, ठीक है। आगे उसमें ऐड होगा वेजेस दैट इज लेबर, उसमें ऐड होगा ओवरहेड्स, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। उसमें ऐड करोगे प्रॉफिट जिसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो आपको लास्ट में मिलेगा सेलिंग प्राइस, और ये सब जितने भी अमाउंट्स है वो हो गए पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट, ठीक है। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन इसका और इसका क्या रिलेशन है, जैसे देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल का रेट है आपको यहाँ से मिल जाएगा, स्टॉक ऑफ WIP रॉ मटेरियल का रेट, वेजेस का मतलब लेबर का रेट, ओवरहेड्स का रेट आपको यहाँ से मिलेगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट आपको यहाँ से मिलेगा, डेटर्स का सेलिंग प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर सप्लाई को हमेशा रॉ मटेरियल में वैल्यू करते हैं तो रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे देखना है, जब वेजेस देखोगे तो यहाँ पे देखना है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स होगा तो यहाँ पे देखना है। सो ये जो दो वर्किंग नोट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है, अगर वर्किंग नोट रॉन्ग हो जाता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने के 100% चांसेस है। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तभी, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, हमेशा सबसे पहले एक पेज छोड़ दो जहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिखना चाहिए। कभी भी स्टार्टिंग में वर्किंग नोट नहीं लिखना है, कोई भी अकाउंट हो, मैनेजमेंट हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, जब भी पेपर चेकर पेपर चेक करेगा उसको आपको आपका सॉल्यूशन देखना है, ओके। आपका वर्किंग नोट नहीं, तो फर्स्ट पेज पे आएगा आपका सॉल्यूशन, एक पेज में सॉल्यूशन हो जाता है, एक पेज से ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। सेकेंड पेज पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे ये वर्किंग नोट्स, अगर वर्किंग नोट्स राइट आ जाती है और जितना टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हो टाइम लगा चलेगा वर्किंग नोट लिखने के लिए, ओके। लेकिन अगर ये रॉन्ग हो गया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन रॉन्ग मतलब 20 मार्क 15 मार्क पानी में, और आप लोग खुद फेल होने के तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। सो कॉन्फिडेंटली करो, बहुत इजी चैप्टर्स है, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ये लिख सकते हो, कुछ डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।